सब लोग घर में थे कोरोना में, हम लोग 24 आवर ड्यूटी किए, उस समय सरकार कहाँ थी, सोई हुई थी। सिर्फ एक सूत्री मांग है हम लोगों का 2018 के नियमावली के अनुसार, अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, जगह जगह हम लोग काम बाधित करेंगे। 10,000 को ही उनको देने में दम निकल रहा है तो 10 लाख को बेरोजगारों को रोजगार क्या देंगे वो? तो जो भी निकलता है नोटिफिकेशन कागज में होता है, रियल में कुछ नहीं होता है। सरकार को जितना जल्द हो हमारे लिए उचित फैसला ले ताकि हम लोग भी खुशी से अपना ड्यूटी पूरा करें। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी जी एनएम। आज 27 दिनों से धरना स्थल पर बैठ के धरना दे रहे थे, लेकिन आज उनमें काफी ज्यादा गुस्सा नजर आया और उन्होंने न्यू सचिवालय का घेराव कर लिया। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये न्यू सचिवालय है और इसके बाहर तमाम जो एनएम है वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांग लेकर आज सचिवालय का घेराव कर रहे हैं? सिर्फ एक सूत्री मांग है हम लोगों का, 2018 के नियमावली के अनुसार 7/22 में विज्ञापन निकाली गई थी, उसी विज्ञापन के नियमावली के अनुसार हम लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। लेकिन आज 27 दिन से आप लोग धरने पर हैं, अभी तक नहीं सुना गया है, आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगे और क्या कुछ करने की तैयारी है? अगर उम्मीद लेके आए हैं कि प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव या मंत्री महोदय हम लोगों से वार्ता करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पे आ खड़े हुए हैं, और अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग इससे भी आगे रोड पे उतरेंगे। क्या लग रहा है, सुनी जाएगी, आगे सुनी जाएगी, क्योंकि 27 दिनों से धरना पर हैं आप लोग? हाँ, हम लोग 27 दिनों से धरना पर हैं और उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं कि हम लोग की मांगों को सुनी जाए, अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, जगह जगह हम लोग काम बाधित करेंगे। हम लोग जगह क्या करेंगे, नहीं हो सके उतना हम करने को तैयार है। सरकार को जितना जल्द हो हमारे लिए उचित फैसला ले ताकि हम लोग भी खुशी से अपना ड्यूटी पूरा करें। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है आप लोग को, करीबन 27 दिन हो गया धरना पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, आज सड़क पर उतरे हैं फिर से एक बार, क्या कुछ आगे की तैयारी है? आगे की हमारी तैयारी यही है कि अगर नहीं है सरकार हमारी बात सुनती है तो जो होगा संघ का निर्णय होगा उस पे हम लोग सारे लोग तैयार है। भूख हड़ताल होगा, भूख हड़ताल आमरण अनशन होगा, आमरण अनशन करने को तैयार है। अगर सरकार से यही अनुरोध है कि प्लीज हमारी बात को सुने और नियमित बहाली हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए काउंसलिंग लेकर। एनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 7/22 में 10,709 की बहाली निकाली गई थी, जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी हुई है। एक वर्ष हो गया, अभी तक हम लोग की नियुक्ति नहीं ली गई है। आज हम लोग 27 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। जब 10 लाख बेरोजगार के रोजगार देने की बात आती है तो 10,000 को ही उनको देने में दम निकल रहा है तो 10 लाख को बेरोजगारों को रोजगार क्या देंगे वो? लेकिन बिहार सरकार तो कह रही है कि हम बम्पर भर्ती निकाल रहे हैं, सभी को नौकरी दे रहे हैं। सिर्फ कागज में होता है, रियल में कुछ नहीं होता है। तो जो भी निकलता है नोटिफिकेशन कागज में होता है, रियल में कुछ नहीं होता है। इधर नीति निकाल दिया जाता है नौकरी के लिए, उधर स्थगित कर दिया जाता है, यही सरकार की नीति है। यही कारण है कि अभी तक आप लोगों को जो मांगे हैं वो पूरा नहीं हो पाया। बुआ, हम लोग के पास एक सूत्री मांग है, हम लोग का 18 के नियमावली के तहत वैकेंसी निकाला गया था, उसी के नियमावली के तहत हम लोग को पोस्टिंग कराया जाए। हम लोग एक सूत्री मांग है, यही के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आगे भी हम लोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। आज हड़ताल का हम लोग का 27वां दिन जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है। आगे क्या कुछ तैयारी है, आगे क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है मांग आप लोग? हम लोग सुनवाएंगे उनको, चाहे जैसे सुने। हम लोग जो संकल्प लेकर आए हैं वो पूरा कर दे, हम लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है। मांग कर रहे हैं आप स्वास्थ्य मंत्री खोलो कान, लेकिन खोलने के लिए तो यहाँ तैयार नहीं है, 27 दिन हो गया। खोलना पड़ेगा, आँख खोलना पड़ेगा। हम लोग कोरोना में 24 आवर ड्यूटी किए, सब लोग घर में थे कोरोना में, हम लोग 24 आवर ड्यूटी किए, उस समय सरकार कहाँ थी, सोई हुई थी। सब कोरोना में घर में था बड़े पदाधिकारी, हम लोग हॉस्पिटल में 24 आवर ड्यूटी किए, मॉर्निंग इवनिंग नाइट किए, उस समय कहे थे कि आप लोग को परमानेंट करेंगे, लेकिन आज कहाँ गए सरकार, और डॉक्टर लोग को बिना एग्जाम के परमानेंट कर दिए, तो हम लोग को क्यों छोड़ दिया, हम लोग को भी परमानेंट कर दिया, हम लोग को क्यों परीक्षा लिया जा रहा है, हम लोग को परीक्षा नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हम लोग को इसी तरह से काम कर रहा है 15-16, हम लोग भी अभी तक ले हम लोग एग्जाम नहीं ऐसा दिया है, वो भी निगेटिव मार्किंग लगा रहा है, हम लोग क्या उसमें सक्सेसफुल होंगे, नहीं करेंगे।
जी हाँ, ये इनका दर्द है कि ये इन्होंने कोरोना काल में भी सर हॉस्पिटल में गए, लोगों की सेवा की है, उसके बाद इन्हें सरकारी नहीं किया गया, लेकिन जो डॉक्टर थे उन्हें सरकारी कर दिया गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी ये तमाम जो लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और किस तरीके से सीएम नीतीश को और साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम को भी कह रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें, अगर पूरी नहीं करेंगे तो वो इसी तरीके से धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। और किस तरीके से धरना दे रहे हैं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो एनएम लोग थे वो यहाँ पर धरना स्थल पहुँचे हुए थे, सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुँचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इन्हें हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। किस तरीके से पुलिस की ओर से पहले इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ से हट जाइए, आपके लिए धरना स्थल गर्दनी बाग में बनाया गया है, वहाँ पर जाकर धरना दीजिए, लेकिन जो एनएम थे वो अड़े हुए हैं सचिवालय का घेराव करने को लेकर। और किस तरीके से अब इनके साथ बहसा बहसी हो रही है पुलिस और जो एनएम हैं उनके बीच में, और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब वो एक एक महिलाओं को यहाँ से हटाने लग गई है, क्योंकि ये तमाम जो एनएम है ये सड़कों पर उतरे हुए थे, सचिवालय का घेराव कर रहे थे। अब इसी बीच में भारी पुलिस की एक बार तैनाती सचिवालय की बाहर नज़र आ रही है और इन तमाम जो एनएमों को हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है बिहार सरकार की ओर से, बिहार पुलिस की ओर से। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एनएम को समझाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनका जो समस्या है वो सुना जा रहा है, और किस तरीके से सुनने के बाद जो तमाम जो एनएम है किस तरीके से कुछ एनएम को जो 5 की संख्या में जो एनएम बहने हैं उनको निकाला गया है, और निकालने के बाद में तमाम जो एनएम महिला है उनको किस तरीके से जो नर्स है उन्हें पुलिस अब हटाने का जो सिलसिला है यहाँ से शुरू कर दी है। ये आपको तस्वीरें निकल कर आ रही है न्यू सचिवालय के बाहर से कि किस तरीके से जो पुलिस है वो अब एनएम महिलाओं को हटाने लगी है और यहाँ से हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है और उसके बाद महिलाओं को हटाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, किस तरीके से हटाया जा रहा है तमाम एनएमओ को हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।